अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक बार फिर आ गए हैं फूड रिव्यू करने के लिए। मेरे साथ मौजूद हैं अनस और तहा और मुझे तो आप जानते ही हैं आमिर। तो आज हम जो रिव्यू करने आए हैं वो है हैदराबाद की फेमस शब्बीर बिरयानी, जो कि वाकई है डॉक्टर्स कॉलोनी पे। और हम इसको ऑर्डर करने जा रहे हैं और फिर इसका टेस्ट करके आपको बताते हैं कि किस किस्म की बिरयानी है। इसके साथ साथ यहाँ से अब जब जाएंगे तो फिर हम अल शरीफ बिरयानी को भी निपटाते हुए निकल जाएंगे, क्योंकि ये दोनों बिरयानियाँ कराची की तरफ से बनाई जाती हैं और इनका कंपैरिजन भी कर लेंगे किस किस्म की होती है, इनका टेस्ट कैसा होता है, और आपको साथ साथ लिए चलते हैं। लोग जा रहे हैं ऑर्डर देने। आ जाओ भाई। ये लोग यहाँ पे ऑर्डर दे रहे हैं। जब तक मैं आपको शॉप दिखा देता हूँ, ये है किस किस्म की शॉप। बेसिकली इनकी शॉप जो है यहाँ पे 1988 से वाकई है और काफ़ी कटनी शॉप है, बहुत पुराने हैं यहाँ पे सेलर से ये लोग। तो काफ़ी अच्छी बिरयानी होती होगी उनकी और वही हम टेस्ट करने ही आए जी। तो हमारी बिरयानी आ चुकी हैं और ये देखें, ये दो ऑर्डर किए हैं हमने और क्वांटिटी थोड़ी सी कम इसलिए रखी है क्योंकि हम आगे भी जाएंगे अभी अल शरीफ बिरयानी खाने, तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी हम लोगों के लिए। हालांकि हम हैं हैवी ईटर्स, उसके बावजूद जो है लेकिन हमें हल्का रखना पड़ता है। तो ये देखें, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है कराची स्टाइल बिरयानी जो कि चिकन बिरयानी है, और ये वाली जो है ये यखनी पुलाव है, बीफ यखनी पुलाव। तो ये दोनों इनकी स्पेशलिटीज़ हैं शब्बीर बिरयानी की। और प्राइस अभी मैं अनस से पूछवाता हूँ आपको। अनस बताओ भाई, कैसे हो? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा हमेशा की तरह आपके साथ दोबारा मैं जो है आज एक रिव्यू में मौजूद हूँ। और इसके प्राइस मैं आपको बताता चलता हूँ, ये कराची की जो बिरयानी है ये हमें 140 रुपए की एक सिंगल प्लेट पड़ती है, और ये जो पुलाव है बीफ पुलाव ये हमें 150 रुपए का एक सिंगल प्लेट पड़ता है। अब इसको हम टेस्ट करके देखते हैं किस तरीके का होता है। शक्ल से तो देखने में अच्छा ही लग रहा है और इंशाल्लाह टेस्ट भी इसका ऐसा ही होगा। हाँ भाई, तैयार हो तुम? हाँ भाई, मैं तैयार होता हूँ इन काम के लिए, तो हमेशा के लिए तैयार रहता है। चलो टेस्ट करो, पहले यखनी पुलाव टेस्ट करते हैं। भाई मुझे भी खाना है, मैं क्या करूँ। एक मिनट मिनट, तुम भी खाओ। हाँ भाई, पहले इसका रिव्यू लेते हैं। यार मुझे जायके के लिहाज से देखा जाए तो नॉर्मल लग रही है। अच्छा, जो हम कराची वाली जैसे हमने खा चुके हैं पहले, जो हमने जायका पता है वैसा इसका जायका नहीं है, लेकिन करीब करीब है, तो इसको मतलब कोशिश अच्छी है। हाँ, कोशिश अच्छी है, हम इसको एक कंसिडर कर सकते हैं नाम के लिहाज से कि हाँ भाई ये कराची वाली बिरयानी है बस। और भाई मेरे हाथ में इस वक्त बीफ पुलाव, और जो बीफ पुलाव है बिल्कुल डिफरेंट है, मतलब जो हैदराबाद की बिरयानी को जिसको लोग पुलाव कहते हैं अक्सर, ना ये वैसा है और ना ये कराची स्टाइल का, मतलब बिल्कुल डिफरेंट है बीच का। और ये दुकान जो है ये बहुत पुराना चावल है, 1988 यहाँ बैठे हुए। अच्छा भाई, अब स्वैप मार लो जरा से, तुम वो ले लो अनस यखनी पुलाव और तहा से, तहा को जो है वो वाली बिरयानी दे दो, ट्राई करो जरा अनस। मैं बिल्कुल इसको ट्राई करता हूँ और बताता हूँ कि कैसी लगी मुझे ये। बीफ यखनी पुलाव है, बोटियन की, काफी बिल्कुल मुलायम है, बहुत अच्छी है। बीफ यखनी पुलाव ये देखें, दिखाओगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। बिल्कुल बहुत बहुत ही कोई खस्ता हुआ है गोश्त। ये बहुत अच्छा है, दायकेदार पुलाव, जो बीफ पुलाव एक जो कहलाता है वो पूरे तरीके से उसमें भरपूर जायका है बीफ पुलाव का, और बहुत आला है ये, मुझे बहुत अच्छा लगा है। अब तहा से बिरयानी का पूछते हैं कि इनको बिरयानी कैसी लगी है। हाँ भाई, तहा कैसी है चिकन बिरयानी? भाई मैं अनस भाई की बात से थोड़ा सा डिसएग्री करूँगा, मुझे बिरयानी का टेस्ट भी बहुत अलग है, मतलब कराची स्टाइल की नहीं है अनस भाई की बात बिल्कुल सही थी, लेकिन बिरयानी का जो टेस्ट है ना अपना ही टेस्ट है, मतलब इनकी जो स्पेशलिटी है ना, तो सही बात है कि बिल्कुल अलग जायका आ रहा है इसका, और मतलब एक नई चीज़ है बिल्कुल ना, तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है। और आमिर भाई आप भी ट्राई करो। हाँ भाई, तो ये हैं दोनों बिरयानियाँ, ये देख रहे हैं आप, इन दोनों को मंड रहे हैं, ये दोनों खूब अच्छे तरीके से। भाई हम तो हैं मंडने के लिए। भाई भूख लगी हुई, तुमने कह रहा तो दोपहर में 3 बजे निकलेंगे व्लॉग बनाने के लिए, और तुम लेकर आओ 6 बजे, तो भूख तो लगेगी ना। लेट से लेट चलता है भाई। नहीं भाई, खाना टाइम पे खाते हैं। फल देखो कितना अच्छा मिला है, फल देखो आप कितना अच्छा मिला आपको। मैं कैमरा जो है तहा को पकड़ाने वाला हूँ और इसके बाद मैं ट्राई करूंगा बिरयानी है कैसी।
जी तो मेरे हाथ में फाइनली इन लोगों के हाथ से बच के बिरयानी आ चुकी है। तो मुश्किल था वैसे आज वो बचना, लेकिन वो भाई के हाथ में आ गई। हाँ तो मैं चिकन बिरयानी से जो है ना स्टार्ट कर रहा हूँ। दिखाओ जरा इधर लाके था। हाँ 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 बोलती है। लिमिटेड लगाया था क्या इसमें? अच्छा भाई तो इसका फर्स्ट इम्प्रेशन ये है कि मैं इसको 6 रेटिंग दूंगा आउट ऑफ 10। ये बिरयानी जो है बस ओके नॉर्मल है, कोई बहुत हाई क्लास नहीं है, बहुत कोई अच्छे जायके में नहीं है। इसके जायके हल्के हैं, मसाले भी हल्के हैं और टेस्ट भी जो है इसका बस नॉर्मल है। कराची वाली निकल आई जाएगी ये। इसके साथ साथ मैं यहाँ के फैंस को भी हर्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि जाहिर सी बात है शब्बीर की बिरयानी बहुत पुराना है, टाइम से लोग खाते हुए आ रहे होंगे। तो बस मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे ओके लगी है, ना कोई बहुत ज़्यादा खास ना लेकिन बहुत ख़राब, बीच में इसका टेस्ट है। और इसको मैं लेकिन भूख लग रही थी थोड़ा सा खा तो लूँगा। अब मैं जो है ना इससे पुलाव लेता हूँ और मैं पुलाव टेस्ट करता हूँ। पुलाव पूरा मत खा जाना भाई, आप बहुत मज़े का लग रहा है मुझे ये। अच्छा भाई इसकी बड़ी तारीफें पहले ही सुन ली है मैंने कि तहा ने भी इसको बहुत अच्छी रेट दी है और अनस ने भी, तो मैं इसको दिखाता हूँ। इधर लाके जरा करीब एक बार दिखाना। हाँ तो भाई हमारी बात से एग्री करोगे या नहीं? कैसा? ये है बहुत जबरदस्त चीज। आया मजा? मैं तो बोल रहा हूँ रिव्यू बंद कर दो थोड़ी देर का, मैं एक प्लेट निकालूं क्योंकि बहुत ही जबरदस्त जायका है इसका। हैदराबाद में मैंने जितने भी पुलाव खाए ये मैं कह सकता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट पुलाव है। बहुत ही जबरदस्त यखनी का टेस्ट है इसके अंदर और बोटियां अच्छे तरीके से पकी हुई है, बिल्कुल मुलायम और नरम। टेस्ट बहुत अच्छा है, बेहतरीन है। मतलब बंदा एक बार खाने बैठ जाए तो उसके हाथ से लेना नामुमकिन हो जाता है। जैसे अभी मैंने बड़ी मुश्किल से भाई को दिया है पुलाव ना, मैं ये दोबारा भी खाने आऊंगा। और तुम आओगे? भाई मैं तो सोच रहा हूँ करीब ही घर ले लूं कहीं। भाई मुझसे कोई बिरयानी लेके पुलाव दे दो। देखे रुको भाई, इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था तो इसने फौरन बोला कि जो है ना कैमरा पकड़ो और मुझे तो खाने के लिए तो ये लो पकड़ो। बहुत मजे की है। नहीं यार पुलाव खाऊंगा मैं। तो गाइस हम लोग जो है ये रिव्यू भी करते जा रहे हैं साथ साथ और बिरयानी भी खा रहे हैं क्योंकि हम वाकई में भूखे भी थे उस टाइम पे। तो अब जो है हम ये थोड़ा सा फिनिश करते हैं। अभी उम्मीद दिकरन थोड़ी बाकी है क्योंकि अभी शरीफ बिरयानी भी जाना है हमें और वहाँ की बिरयानी भी टेस्ट करनी है, बताना आपको कैसी है। अब हम ये बिरयानी फिनिश कर लेते हैं और उसके बाद फिर आपको जो है ना इसका फाइनल रिव्यू देते हैं किस तरह की लगी हमें। A few moments later. जी तो भाई ये देखें अनस ने बिरयानी साफ कर दी है। यार ये मैंने पूरा अकेले नहीं करी है भाई, दो आप दोनों ने भी खाया है, मैं अकेला नहीं हूँ। हाँ मतलब हम लोगों ने बिरयानी साफ कर दी है और ये बिरयानी कुछ ज्यादा खास नहीं होने के बावजूद भी ये भी मैंने साफ कर दी है इन लोगों की मदद के साथ। अब आपको इसका फाइनल रिव्यू दे देते हैं हम लोग। तो बिरयानी जो थी चिकन बिरयानी जो कि कराची के स्टाइल में बनी हुई होती है, बेसिकली होता है ये काफ़ी मसाले वाली बिरयानी होती है येलो कलर की, और जबकि हैदराबाद की बिरयानी का स्टाइल डिफरेंट होता है, वो वाइट होती है और उस पर तली हुई प्याज होती है। तो ये वाली बिरयानी थी काफ़ी अच्छी थी, लेकिन इसको मैं बहुत आउट क्लास नहीं बोलूँगा, बस एवरेज थी ठीक है। और जो यखनी पुलाव था बीफ वो बहुत ही आउट क्लास आउटस्टैंडिंग था, बहुत आला था, बहुत मजे का था। मतलब इसको खा के जो है ना इसको देखें हम अंदर की चीज़ें बाहर आ रही है, तो इसको खा के जो है ना बिरयानी को हम भूल गए कि बिरयानी किस तरीके की थी। पुलाव इतना मजे का था जो सच बात है साफ बात है। भाई अगर अल शरीफ नहीं जाना होता ना तो मैं एक पुलाव की ब्रेड और मंगवाए खाता। मैं भी खाता भाई, मैं भी खाता। अगली बार आएंगे आप दोबारा यहाँ पर रिव्यू के अलावा भी आएंगे यहाँ पे बिरयानी। अच्छा भाई तो देखा आपने सारे बॉयज जो है ना फैन हो चुके हैं इनके यखनी पुलाव के। इसके रेट से बिरयानी के कितने? 140 रुपए की चिकन की प्लेट है सिंगल और 150 रुपए की 150 रुपए जो है वो पुलाव है सिंगल प्लेट। मीन्स की 10 रुपए का फर्क है दोनों में और 150 और 140 रुपए की प्लेट से ही है। और एड्रेस जो है आपको बताया था मैंने, डॉक्टर्स कॉलोनी है ये ठीक है। और आप जब भी आए तो ये 10 रुपए का फर्क मत देखिएगा, आप 150 रुपए का जो पुलाव ही खा लिएगा वो आपके पैसे पूरे वसूल होंगे और बहुत मजा आएगा। पुलाव बीफ का है और जो बिरयानी है वो चिकन की थी। जी तो गाइस यहाँ से अब जो है हम लोग जा रहे हैं अल शरीफ बिरयानी और फिर वहाँ पे पहुँच के जो है दोबारा से एक नया रिव्यू देते हैं आपको, इन दोनों का कंपैरिजन भी करके बता देंगे कि कैसा है ठीक है। तो चलें जी। तो हम
पहुंच चुके हैं फाइनली अल शरीफ बिरयानी। जी तो हम पहुंच चुके हैं अल शरीफ बिरयानी और अब हम यहां पे ऑर्डर देने लगे हैं क्योंकि डाइनिंग जो है वो बंद है मोस्टली और बाहर बैठ के गाड़ियों में सब जो है खा रहे हैं या टेबल्स वगैरह लगा के डाइन आउट शुरू हो चुका है स्लो स्लो। तो हम जो है अपनी गाड़ी में बैठ के खा रहे हैं और यहीं पर ही रिव्यू करेंगे। तो अब हम ऑर्डर देते हैं। भाई प्रणस बुला लो। हाँ भाई तुम खाने का वेट कर रहे हो? जी भाई तुम लोगों ने बुलाया था, साफ किया था। चीजें पूछो ना, कौन कौन सी बिरयानी है? सिर्फ चिकन होती है अपने पास, सिंगल फुल का हिसाब होता है। पैसे पूछो दोनों के। कितने की प्लेट है सिंगल? 160 रुपए की और 200 रुपए की। सिंगल 160, डबल 200। सिंगल 160, डबल 200। 160 वाली दो मंगा लेते हैं? नहीं, डबल एक मंगा लो। डबल एक प्लेट डबल कर दीजिएगा। एक ओनली, एक ओनली। और एक पानी वगैरह मंगा लो। एक पानी की बड़ी बोतल भी ला दिएगा। सही है जो यूट्यूब पे जाती है। तो हम लोग और जगह से खाते हुए आ रहे हैं, इस वजह से अब जगह नहीं है बिल्कुल भी और टेस्ट भी करनी, वीडियो पे बनानी है। जी जनाब बहुत शुक्रिया। जी तो जनाब बिरयानी हमारी आ चुकी है और ये बिरयानी जो है अल शरीफ की ये डबल मंगाई है हमने, ये 200 रुपए की है और 160 रुपए की ये सिंगल प्लेट होती है। फुल मसालेदार तय वाली बिरयानी है भाई ये, तो मुझे बहुत ही कोई अच्छी लग रही है। जायके में अभी तक उसको हमने टेस्ट नहीं किया है, मैं बोल रहा हूँ उसको पहले टेस्ट कर लेते हैं, रिव्यू बाद में करेंगे। खुशबू आ रही है जबरदस्त, बेहतरीन मसालेदार बिरयानी लग रही है भाई। खुशबू आ रही है, अभी बिरयानी हाथ में नहीं आई है अभी तक मेरे, बस कल से वेट नहीं हो रहा है कि इसके बस खा ले। बाहर आ गए गाड़ी से और बाहर आने की वजह ये है कि अंदर बहुत ज़्यादा अंधेरा हो चुका था, तो अब ये तहा बिरयानी ट्राई करने लगा है। हाँ भाई तहा बिरयानी बहुत आला है, मसालेदार बिरयानी है, इसके अंदर जो चावल है मसाले अच्छी तरीके से मिक्स हुए हैं और बहुत ज़्यादा मिर्चें नहीं है कि खाने मुश्किल हो, बहुत आला किस्म की बिरयानी है। और जब अभी शब्बीर की बिरयानी खा कर आए उसके कंपेरिजन में ये बिरयानी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है मुझे। और अभी आमिर भाई अनस भाई आपको टेस्ट करके बताएंगे, तो यकीन वो मेरी बात से एग्री करेंगे कि इसका जो टेस्ट है बहुत आला है और मुझे बहुत मजे की लग रही है। खाने अभी भी खाने का मौका दे दिया है तो हम इसको टेस्ट करते हैं और बताते हैं। ये दोनों जो है खाने में लगे पड़े हैं। आमिर भाई खाएंगे आप बिरयानी? बिल्कुल खाएंगे भाई, तुम लोग मौका दोगे तो खाऊंगा ना भाई। ये मिर्ची इसको सिर्फ देखने में कलर में पता चल रही है, वैसे मिर्ची इसमें है नहीं। मीन्स के कराची वाला स्टाइल की बिरयानी है और वैसा ही तकरीबन जायका भी होना चाहिए इसका। जी तो मैं इसको खाने के लिए आ गया हूँ और मैं इसकी फर्स्ट ट्राई लेने लगा हूँ। ये मेरा फर्स्ट बाइट है। हाँ हाँ बहुत ही बेहतरीन बिरयानी है माशाल्लाह से, कराची वाले टेस्ट याद आ गया। कराची पे आपको इतना ही अलग किस्म का टेस्ट मिलता है बिरयानियों में और इतनी मसालेदार बिरयानी होती है। तो भाई हम यहाँ पे आ चुके हैं रोशनी की वजह से, यहाँ रोशनी काफ़ी अच्छी है और अंदर गाड़ी में तो बिल्कुल ही अंधेरा हो गया था। जैसे जैसे मौका मिलता जा रहा है हम अंदर जाते जा रहे हैं। हाँ क्योंकि डाइनिंग जो है बंद है तो डाइन आउट की सूरत ही अख्तियार की हुई है अभी इस जगह में। तो भाई मैं ये कह रहा था कि हमने अभी शब्बीर बिरयानी भी ट्राई करी है और अभी अल शरीफ के ऊपर मौजूद है, तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप हैदराबाद में आ रहे हैं तो शब्बीर का पुलाव तो मस्त ट्राई करना है। कहीं जाए नहीं जाए शब्बीर का पुलाव अगर ट्राई करें बगैर गए समझा हैदराबाद नहीं आए, बहुत आला किस्म का टेस्ट था। और यहाँ पर आए तो इसकी बिरयानी को जरूर ट्राई करिएगा, इसको भी मत छोड़िएगा, ये बहुत आला किस्म की बिरयानी है। मैं भी नहीं छोड़ूंगा मैं कैमरा पकड़ा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको। ये तो जनाब आज का हमारा ब्लॉग यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसी लगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।